हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल होली थीम ठंडाई केक की रेसिपी। इसे मैंने ठंडाई पाउडर से नहीं बनाया है, ठंडाई सिरप से बनाया है, तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। प्लस जो ठंडाई सिरप हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो भी हमने घर में बनाया है। ये एक इंडियन फ्यूजन केक है जो कि एक इंडियन फ्लेवर को केक के अंदर कॉम्बाइन करके बनाया जाता है, तो इसका जो टेस्ट है ना वो आउटस्टैंडिंग आता है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल जरूर करें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम केक स्पॉन्ज बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुकर में पहले ही से नमक डालकर रखा हुआ है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक रिंग मोल्ड, और इसके ऊपर हम एक स्टैंड ऐड कर देंगे और अब हम इसका लिड कर लेंगे बंद। तो यहाँ पर मैंने ये कुकर का सीटी और ये रबर जो है वो दोनों निकाल लिया है, लिड बंद कर लेंगे और इसे हम लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। तो जब तक हमारा कुकर प्री हीट हो रहा है तब तक हम केक बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे एक छन्नी, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप मैदा प्लस 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, पिसी हुई चीनी लगभग 1/2 कप, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैं ये 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर पाउडर लगभग 2 बड़े चम्मच, 1 चुटकी नमक ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि हमारा जो केक है वो सॉफ्ट और फ्लफी बने, प्लस इसमें कुछ भी कचरा हो वो निकल जाए। और अब हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, पर मैं यहाँ पर बेसिक वैनिला स्पॉन्ज बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर मैं बाद में ऐड करूँगी, इसीलिए मैंने केक में नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच वैनिला एसेंस, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच तेल, कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला ऑयल का इस्तेमाल ना करें। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध लगभग 1 कप। यहाँ पर मैंने दूध को गर्म करके ठंडा कर लिया है, दूध एकदम रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। एक बार में पूरा दूध ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्स या गांठे ना हो। अगर आप एक बार में ही पूरा दूध ऐड कर दीजिएगा तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं और उसे डिसॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी या दिक्कत आती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गई है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक श्योर उसे आप छान कर यूज करें। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो केक बैटर है वो बनकर तैयार है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 6x2 इंच का केक टिन जिसे मैंने पहले से बटर पेपर से ग्रीस करके रेडी किया हुआ है। इसमें हम इस बैटर को पोर कर देंगे और इसे हल्का सा इस तरीके से टैप कर देंगे, और अब मैं इसे बेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो गए हैं और हमारा जो कुकर है वो अच्छी तरीके से प्री हीट हो गया है, तो लिड खोल लेंगे और इसमें हम ये केक टिन को बहुत ही सावधानी से डाल देंगे, लिड कर लेंगे बंद और इसे हम लगभग 40 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। बीच में आप इसका लिड ना खोलें, आप 30 मिनट्स के बाद खोल सकते हैं पर बीच बीच में ना खोलें, नहीं तो आपका जो केक है वो अच्छी तरीके से राइज नहीं होगा। तो यहाँ पर लगभग 40 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसका लिड खोल कर देखती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो केक है वो बनकर तैयार है। एक बार टूथपिक की मदद से इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन निकला है, और अब हम केक को 5 मिनट के लिए इसी में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये 5 मिनट हो गया है और अब मैं केक को निकाल लेती हूँ और इसे हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, और अब मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो ये बटर पेपर जो है उसे इस तरीके से पकड़ के निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो केक है कितनी आसानी से निकल गया है, और अब मैं इसे एक प्लेट पर डाल लेती हूँ। और अब मैं इसका ये जो बटर पेपर है वो निकाल लेती हूँ। इस साइड के बटर पेपर को अच्छी तरीके से निकाल लें, थोड़ा सा केयरफुल रहें
क्योंकि जो केक है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब मैं ये पीछे साइड वाला जो बटर पेपर है उसे भी निकाल लूँगी। और ये देखिए हमारा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हो इसके एजेस कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। और अब हम केक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं केक को केक स्लाइसर की मदद से कट कर ले रही हूँ, आप चाहें तो इसे सेरेटेड नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पहला लेयर कट कर लिया है और अब मैं ये दूसरा लेयर कट करूँगी। और ये देखिए हमारा जो केक का लेयर है वो कितना परफेक्ट आया है, आप देख सकते हो उसमें कितने सारे जाली आई हैं। और अब मैं ये तीसरा लेयर कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने केक के सारे लेयर्स कट कर लिए हैं और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है होम मेड ठंडा सिरप। इस सिरप को मैंने घर में ही बनाया है और इसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इस ठंडा सिरप को मैंने इस बॉटल में भरकर रखा है और इसमें से मैंने लगभग 3 बड़ा चम्मच ठंडा सिरप लिया हुआ है इस बोल में। और अब हम एक सोकिंग सिरप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है एक बोल में, ये रूम टेम्परेचर मिल्क है लगभग 1/2 कप। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये ठंडाई वाला सिरप लगभग 2 चम्मच और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गई है मिक्स और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लगभग 2 चुटकी इलायची का पाउडर और 1 चुटकी केसर के धागे और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सोकिंग सिरप जो है वो बनकर तैयार है और अब हम क्रीम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को पहले ही से बीट करके रेडी किया हुआ है। क्रीम को किस तरीके से परफेक्टली बीट करते हैं उसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एक बार क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये ठंडाई का सिरप। तो यहाँ पर मैं ये 3 चम्मच ठंडाई का सिरप ऐड कर रही हूँ और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठंडाई का सिरप की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें, माइल्ड फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा सा कम ऐड करें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये हमारा ठंडाई वाला जो क्रीम है वो भी बनकर तैयार है। और अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्रीम टर्न टेबल के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे और इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे ताकि जब हम केक का पहला लेयर ऐड करें वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है और अब मैं ये केक का पहला लेयर ऐड करूँगी, उसे अच्छी तरीके से प्रेस करके चिपका देंगे और इसे सेंटर में अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। और अब मैं इसे सोक करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये ठंडाई वाला दूध बनाकर रखा हुआ है, इसे हम इसे अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे। केक को सोक करना मस्ट होता है और थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोक करें तो केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है केक। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से सोक कर लिया है और अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ये ठंडाई वाला क्रीम जो हमने पहले बनाकर रखा था। तो इसे हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है ताकि इसके ऊपर अप्लाई करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है और अब हम इसे हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1 चम्मच ठंडाई सिरप और इसे हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे और सेम प्रोसेस हमें लास्ट लेयर तक रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम केक स्पॉन्ज ऐड करेंगे, उसे ठंडाई का दूध से सोक करेंगे, फिर उसके ऊपर ये ठंडाई वाला क्रीम अप्लाई करेंगे, उसे अच्छी तरीके से स्मूथ करेंगे, उसके ऊपर हम 1 चम्मच ठंडाई का सिरप ऐड करेंगे और उसे भी हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम ये लास्ट लेयर ऐड करेंगे, उसे भी हम दूध से सोक करेंगे, ठंडाई वाला दूध से, और उसके ऊपर हम क्रीम अप्लाई करेंगे। पर इसके ऊपर हमें ठंडाई सिरप नहीं अप्लाई करना है,
क्योंकि ये हमारा लास्ट लेयर है। और अब हम पूरे केक को ठंडाई वाला क्रीम से कवर कर लेंगे। केक के ऊपर में और साइड में अच्छी तरीके से क्रीम लगा दें। हम यहाँ पर क्रम कोटिंग कर रहे हैं तो हमें इसमें नीट होने की जरूरत नहीं है, बस हमें केक के ऊपर वाला जो लेयर है उसे हम स्मूथ कर लेंगे और साइड के जो एजेस है उसे भी अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे स्मूथ कर लिया है, यानी कि मैंने यहाँ पर इसकी क्रम कोटिंग कम्प्लीट कर ली है और अब हम इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, इसमें मैंने कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड किया है, ये प्लेन व्हिपिंग क्रीम है। और इससे अब हम केक को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। केक का टॉप पोर्शन और इसके साइड के एजेस को क्रीम से आप इवनली कवर कर ले। उसके बाद हम पैलेट नाइफ की मदद से केक का टॉप वाला जो एरिया है उसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद हम ये केक का स्क्रेपर लेंगे और उससे हम इसके साइड के एजेस को अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक का ऊपर वाला लेयर और साइड के जो एजेस है उसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है और अब हम इसका ऊपर वाला लेयर जो है ना उसे अच्छी तरीके से नीट फिनिशिंग देंगे। उसके लिए आप कोई भी पतला सा कपड़ा ले लें, उसे अच्छी तरीके से वेट कर लें और उसे साइड में ज़रूर रखें। उसके बाद अब क्या करें, पैलेट नाइफ की मदद से छोटे छोटे स्ट्रोक्स इस तरीके से डालें। उसके बाद आप क्रीम को बोल में पोंछें और उसके बाद ये वेट टिश्यू से अपने पैलेट नाइफ को क्लीन करें और इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते रहें तो आपका जो केक का और टॉप वाला जो एरिया है वो अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगा और एकदम क्रिस्प एजेस आएंगे केक के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छी तरीके से नीट लुक दे दिया है। इसके क्रिस्प एजेस आप देख सकते हो कितना फाइन क्रिस्प एजेस आया है। और अब हम केक को केक बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा साइड इस तरीके से हटा देती हूँ और इसे हम बहुत ही केयरफुली केक बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम केक को फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। और अब हम केक के डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम जो बच गई थी। तो इस रेसिपी में मैंने लगभग 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। इस क्रीम को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने ये 4 बोल ले लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके क्रीम ऐड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि इक्वल क्वांटिटी का ही क्रीम आप हर बोल में ऐड करें, कम ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे न्यूट्रल जेल, जिसे हम पाइपिंग जेल और ग्लेज के नाम से भी जानते हैं। लगभग 1 चम्मच के हिसाब से सारे बोल में हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलर। तो यहाँ पर मैं लिक्विड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट बोल में मैं ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, येलो फूड कलर और ये ब्लू फूड कलर। और अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे सारे बोल में। और अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये रेड मिक्स कर दे रही हूँ, ये ग्रीन मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया, यहाँ पर मैं ये येलो मिक्स कर ले रही हूँ और यहाँ पर हमारा जो ये ब्लू है वो भी मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर जो ये रेड कलर है ना वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें लगभग 1/2 चम्मच के हिसाब से थोड़ा सा और फूड कलर ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कलरफुल व्हिपिंग क्रीम जो है बनकर तैयार है। दूसरी भाषा में बोल लीजिए तो हमारा केक जो है होली खेलने के लिए तैयार है, उसके लिए होली का कलर जो है वो बनकर तैयार है। और अब हम सारे कलरफुल व्हिपिंग क्रीम को अलग अलग पाइपिंग बैग में भरकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर 10 मिनट हो गया है और हमारा जो केक है वो भी एकदम सेट हो गया है। और अब हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो आप अपनी पसंद के कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, हैप्पी होली लिख सकते हैं, आपको जो मन आप वो इसके ऊपर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर हम होली का जो पिचकारी से जब रंग गिरता है ना वो किस तरीके से स्प्लटर होता है, मैं बस उसी तरीके का ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके का मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उसी तरीके का आप भी बनाएं। तो यहाँ पर मैं ये रेड कलर से बना रही हूँ। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम ग्रीन से बनाएंगे, उसे भी हम हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। यहाँ पर मैं ब्लू से बना रही हूँ और इसे भी हम अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। और लास्ट में मैं ये येलो से बना रही हूँ, इसे भी हम स्मूथ कर लेंगे ताकि लुक में ऑल ओवर ये अच्छा देखे। और अब मैं ये छोटे छोटे रैंडम डॉट्स यहाँ वहाँ सारे कलरफुल व्हिपिंग क्रीम से ऐड कर रही हूँ। होली स्पेशल होली थीम्ड ठंडाई केक हमारा बनकर तैयार है। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्टली कट हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और
मॉइस्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।